नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे 112 डायल नंबर के बारे में। प्रदेश में आपराधिक घटना को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिससे कि आपराधिक मामलों में कमी आ सके। ऐसे में बिहार पुलिस ने डायल 112 की शुरुआत होने वाली है, जिससे कि अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि इसका सफल ट्रायल होने के बाद इसका बहुत ही जल्द उद्घाटन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी की शुरुआत जो है इसी महीने से की जा सकती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो डायल 112 में मेडिकल से जुड़ी हुई सुविधाएं मिलने वाली है। साथ ही साथ आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड से जुड़े मामले या फिर कहीं दुर्घटना होने पर भी अन्य किसी स्थिति में जो है आप यानी कि इसको करने की आपात स्थिति में इस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप कॉल करेंगे, आपको ज़रूर यहां पे सहायता मिल सकती है। बता दें कि बस आपको 112 पे कॉल करना है। डायल 112 को सही तरीके से चलाने के लिए स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, परिवहन, समाज कल्याण विभाग समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरकार की इस योजना की शुरुआत को लेकर यह बताया गया है कि शुरुआत में इसमें 400 गाड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इसकी संख्या बढ़ाकर 1200 किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश में यह सेवा पूरी क्षमता के साथ चलाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि आपात स्थिति में पुलिस 20 से 30 मिनट के दौरान वहां पे पहुंच सकती है, यानी कि घटना स्थल पे पहुंच सकती है। जानकारी बशर्ते सही समय पे मिलना चाहिए। विभाग जिन गाड़ियों को सुविधा को तैयार कर रही है उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। इसके अलावा GPS, मोबाइल डाटा टर्मिनल समेत अन्य आधुनिक उपकरण इसमें लगाए जाएंगे। इन उपकरण की मदद से गाड़ियों की रियल टाइम लोकेशन के अलावा कॉल करने वाले का नंबर और घटना का लोकेशन समेत अन्य सभी जानकारी डिस्प्ले होती रहेगी। यानी कि उस गाड़ी में इतनी तकनीकी सुविधा होगी जिसमें कि उस घटना में के बारे में फ़ोन करने वाले व्यक्ति और जहाँ पर घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी जो है उसके पास यानी कि उस गाड़ी के पास होगा। उस गाड़ी में इतनी तकनीक की सुविधा दी गई है, इसके पूरे से इस घटना स्थल तक यानी कि पीड़ित व्यक्ति को आसानी से लोकेट कर सके, उन तक पहुंच बना सके। कार्रवाई पूरी करने के बाद कॉल सेंटर और संबंधित शिकायतकर्ता के पास मैसेज डाला जा सके। इससे यह स्पष्ट होगा कि किसी मामले में क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इसका फीडबैक भी व्यक्ति को मिल जाएगा। सुविधा को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस तरह की जितनी भी गाड़ियां होंगी उसमें 4 से 5 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिसमें कि एक दरोगा या फिर जमादार रैंक का पदाधिकारी होगा। अगर किसी तरह की सूचना मिलती है तो पूरी यूनिट स्पॉट पर मूव कर जाएगी। सभी गाड़ियों को चलाने के लिए ट्रेन ड्राइवरों को अलग से भर्ती की गई है। साथ साथ यह भी कहा गया है कि इसमें ड्राइवर सेना से रिटायर कर्मी होंगे। साथ ही साथ इस बात को बताया गया है कि डायल 112 की शिकायत को सुनने के लिए यहाँ के सभी गाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। बता दें कि इसका वर्तमान में बेली रोड में वायरलेस भवन परिसर में इसको जो है बनाया गया है। 24 घंटे कॉल को रिसीव करने और आगे की कार्रवाई करने के लिए 600 महिला सिपाहियों को अच्छे से ट्रेन किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाया गया है। कहा जाता है कि जब तक इसका भवन तैयार नहीं हो जाता तब तक यह वायरलेस भवन में ही संचालन होता रहेगा। तो एक तरह से कह लें कि जितनी भी सामाजिक हो या फिर एक्सीडेंट की घटनाएं हो, अगर किसी तरह की शिकायत है तो 112 डायल करें और इस तरह की शिकायतों के बारे में बताएं, ताकि पुलिस वहां पे तय समय पे पहुंच सके और इन सब चीज़ों के बारे में निगरानी रख सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।